महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाने वाले कौन है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में इस समय गजब का सियासी भूचाल आया हुआ है और इसमें सबसे ऊपर नाम आ रहा है एकनाथ शिंदे का क्या आप जानते हैं उद्धव ठाकरे के पैरों के नीचे से लगभग सत्ता छीन चुके एक नाथ शिंदे एक समय पर पूरी तरह राजनीति छोड़ चुके थे आज से करीब 22 साल पहले सतारा में एक नाव हादसे में उनकी आंखों के सामने उनके बेटा और बेटी दोनों की डूबने से मौत हो गई थी जिसके बाद उन्होंने राजनीति पूरी तरह से छोड़ दी थी जिसके बाद उनके राजनीतिक गुरु और शिवसेना के धाकड़ नेता आनंद दीघे ने उन्हें राजनीति में वापिस लाया राजनीति से पहले एक नाथ शिंदे में ऑटो चलाया करते थे उनका जन्म भी थाने में ही हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी में में ही पूरी की बाद आनंद दीघे को देखकर उन्होंने भी शिवसेना से जुड़ने का सोचा और 1980 के दशक में उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली जिसके बाद वो पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गए एक नाथ शिंदे शुरुआत से ही पार्टी की तरफ से हो रहे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सबसे आगे रहे हैं साल 2004 में बाला साहब ठाकरे ने एक नाथ को थाने से विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया और इस मौके को सिंधे ने बखूबी स्वीकार भी किया उस चुनाव में उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की जिसके बाद दो में शिवसेना ने उन्हें थाने का जिला प्रमुख भी बनाया और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा 2009, 2014 और 2019 विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने जीत हासिल की जिसके बाद 2019 में उन्हें महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया एक शिंदे का नेटवर्क थाने में घर घर तक है वो लोगों के संपर्क में हमेशा रहते हैं और यही कारण है कि जनसंपर्क की वजह से वो हर बार चुनाव भी जीतते हैं अब सवाल ये खड़ा होता है कि जिस पार्टी ने उन्हें अर्श से लेकर फर्श तक का सफर तय करवाया उस पार्टी से आखिर वो बागी क्यों हो गए दरअसल बात यह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में सभी को यही उम्मीद थी कि ठाकरे की तरह ही उद्धव ठाकरे भी खुद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे लेकिन पहले आदित्य ठाकरे का विधानसभा चुनाव लड़ जाना और उसके बाद शिवसेना से उलट विचार रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर लेना। एक नाथ शिंदे को बिल्कुल रास नहीं आया सभी के मन में यह सवाल खड़ा हो गया कि कहीं शिवसेना अपने हिंदुत्व के मुद्दे से समझौता तो नहीं करने जा रही यही कारण रहा कि एक नाथ शिंदे ने बगावत की तरफ अपना कदम बढ़ाया आज की स्थिति के अनुसार शिंदे के पास लगभग 40 विधायकों का समर्थन है देखना यह होगा कि आगे महाराष्ट्र की सत्ता में क्या होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें